दोस्तों वेलकम बैक एक और नए वीडियो के साथ आपके ही इस चैनल में जिसका नाम है बिगिनर टू प्रोफेशनल। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट अल्ताफ शेख। दोस्तों मैं आज की मार्केट की बात करना चाहता हूं। दोस्तों जैसे कल हमने जो ड्रॉ किया था मार्केट आज उसी रेंज में आज भी घूमता रहा। एक सडन स्पाइक आया बीच में, जस्ट थोड़ा सा छोटा सा स्पाइक आया हुआ है जिसमें FII ने मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि रिटेलर्स को बाहर निकाल के फेंका है और अपनी चाल को कंटिन्यू किया है। देखिए दोस्तों अभी ये हम वन डे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। जो वन डे के टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है इसे आप ध्यान से देखिए, ये आपको दिखा रहा है कि अभी ये सेलिंग प्रेशर में है कैंडल। इसने कल का जो हमारा हाई है उसको ब्रेक नहीं करते हुए कल के लो को ब्रेक करते हुए डाउन में आ चुका है। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स अब ये मार्केट डाउन जाने के पोजिशन पर रेडी है। मे बी पॉसिबल होता है दोस्तों ये डाउन जाए या अपसाइड दोबारा जाए, बट ये कैंडल तो हमें ये बता रही है कि डाउन जाने के फिराक में है। चलिए दोस्तों अभी मैं टाइम फ्रेम चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, इसमें 1 आवर कर देता हूँ पहले, तो हमें इसमें सीखने समझने में काफ़ी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी दिखाऊँ अगर मैं तो हमें यहाँ पर साफ साफ एक नज़र आ रहा है। अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, देखिए दोस्तों यहाँ से लेकर तकरीबन यहाँ तक है, देखिए ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रही है फ्रेंड्स। और अगर नीचे की बात करें दोस्तों यहाँ से तो एक यहाँ से लेके डाउन फ्रेंड्स, ये दोस्तों एक यहाँ तक ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है। अब दोस्तों इससे एक साफ बात नज़र आ रही है मुझे कि अगर कल के दिन में मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए अगर डाउन आता है, लगभग अभी तो ये अपने सपोर्ट पर ही खड़ा हुआ है मार्केट। दोस्तों अगर कल के दिन में अगर मार्केट इसे ब्रेक करते हुए अगर डाउन में आता है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट और नीचे आ जाए। मतलब लगभग मान लीजिए इसे ब्रेक करते हुए ऐसा जितना, अगर मान लीजिए पहला टारगेट तो ये होगा इसका 32,600 के लगभग आसपास में, और लगभग पूरा टारगेट जो उसको मिलेगा ये इतना तक मिल सकता है दोस्तों। और ये कैसे मिलेगा दोस्तों ये मैं अभी आपको और छोटे टाइम फ्रेम में जाके दिखाता हूँ। पहले इसे मैं हटा देता हूँ। ये दोस्तों आप ये समझ ही गए होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। और ये बीच का जितना भी पार्ट है फ्रेंड्स, ये मिडल का जो हमारा जितना भी पार्ट है यहाँ वाला, ये कम्प्लीटली जो सप्लाई जोन होता है, सपोर्ट जोन सप्लाई जोन होता है, सप्लाई जोन के तौर पे दोस्तों ये रिएक्ट कर रहा है। बट इसे मैं आगे अभी डिस्कस करूँगा आपके साथ में। अभी यहाँ पर ये जान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर ये अभी अपने सपोर्ट पर खड़ा हुआ है मार्केट। इसे अगर अपसाइड जाना है फ्रेंड्स तो इसको ये ब्रेक करना पड़ेगा। किसे ब्रेक करना पड़ेगा? इस लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा ऊपर के साइड में, अगर फ्रेंड्स इसे अपसाइड जाना है तो। और डाउन साइड का तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो बन ही रहा है, जैसे ये इसके सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो ये दोस्तों यहाँ पे डाउन आ जाएगा। ये मेरे दोस्तों को इसको कलर चेंज करके भी आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स ये बनने वाला है, बन रहा है मतलब आज की तारीख में, जैसा आज जैसा मार्केट ने रिएक्ट किया है। इसलिए दोस्तों अभी टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, 15 मिनट में चले जाते हैं। देखिए दोस्तों जैसा जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है एग्जैक्टली फ्रेंड्स ये यहीं पर ये अभी सफ़र कर रहा है। आपको इसमें दोस्तों साफ साफ नज़र आ रहा होगा कल के दिन में फ्रेंड्स यही लाइंस और यही ट्रेंड लाइन जो है ये इस मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर मार्केट फ्रेंड्स इस लाइन ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आ जाता है फ्लैट ओपनिंग होकर, तो जाहिर है दोस्तों कि ये मार्केट अभी डाउनफॉल कंटिन्यू कर लेगा, जैसा कि इसने आज जो बिहेव किया भी है ये अपने सपोर्ट पर ही है। और ये मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये अपने डाउन फेस को कंटिन्यू करे और 32,000 तक के इसने टारगेट अचीव कर ले, और कल एक्सपायरी भी है तो उस हिसाब से हो सकता है डाउन ही ज़्यादातर आए। अपसाइड आने के चांसेस दोस्तों यहाँ पे कम है, अगर अपसाइड अगर जाता भी तो उसे ये अपर वाला ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा और फर्स्ट जो टारगेट होगा दोस्तों ये 33,257 का होगा। बट इसके लिए दोस्तों कंडीशन है कि इसे 33,000 वाला जो हमारा ये वाला लेवल है 33,009 के आसपास मान लीजिए, यहाँ पे 9, 10, 12 देखो एक अप्रॉक्स पकड़ लीजिए दोस्तों कि 33,048 के आसपास का इसे इस लेवल को ब्रेक करना होगा। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो 33,257 का टारगेट होगा। अब ये तो कल के मार्केट ओपनिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है, बट अभी जैसा मार्केट जैसा हमें दिखा रहा है यहाँ पर, तो इसके हिसाब से फ्रेंड्स ये मार्केट अभी अपने सपोर्ट पर खड़ा है और फ्लैट ओपनिंग होकर अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो नीचे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर ऊपर जाना है इसे दोस्तों तो इसे 33,000 को ब्रेक करना होगा। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो लगभग 33,257 तक जाएगा।
दोस्तों अगर मैं डिमांड जोन की अगर बात करूँ, डिमांड जोन इसमें कहाँ बन रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्टली ये इसका डिमांड जोन भी यहाँ बन रहा है फ्रेंड्स। एक मिनट दोस्तों, मैं ये देखिए ये फ्रेंड्स इसका यहाँ पे डिमांड जोन बन रहा है। पॉसिबिलिटी दोस्तों ये भी है कि कल के दिन में अगर मार्केट ओपन होकर डिमांड जोन को अपने टच कर कर दोबारा आप साइड वापस मूव कर ले, बट डिमांड जोन को भी अगर ब्रेक कर देता है फ्रेंड्स, तो ये जाहिर है कि काफ़ी नीचे हद तक क्या आएगा। डिमांड जोन का भी जो अगर लेंथ अगर मैं बताऊँ आपको, तो 32,755 का लेवल है, इसे भी ब्रेक करके फ्रेंड्स अगर नीचे आ जाता है तो जाहिर है कि वो 32,550 के आसपास में इसका पहला टारगेट होगा, जो कि देखिए यहाँ तक के बन रहा है, देखिए 548 तक है। और सेकेंड टारगेट जो बन रहा है फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली नीचे का बन रहा है, यहाँ तक है अप्रॉक्स, यहाँ तक 32,187 तक है। ठीक है दोस्तों, कल के लिए यही हमारा फुलफिल प्लानिंग है, और इसमें और ख़ास ऐसा देखने के लिए और कुछ बचा तो नहीं है। एक मेन ट्रेंड लाइन ही के बेस पे ही चल रहा है अभी, और सपोर्ट जोन जो बन रहा है इस पे बेसिस पे ही मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अपर साइड में तो अभी जाने के चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं, डाउन साइड में जाने के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। चलिए इसको दोस्तों अभी मैं फिबोनाची भी अटैच करके आपको दिखा देता हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में क्या बता रहा है। इसके लिए मैं फिबो रिट्रेसमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और डाउन से मैं इसको ड्रॉ करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे का मुझे लेवल पता लगाना है इसके लिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे, या एग्जैक्टली यहाँ पर ही देखिए दोस्तों, अभी ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल भी ड्रॉ कर दिया मैंने दोस्तों। यहाँ पे मैंने फिबोनाची भी रिट्रेसमेंट लगा दिया है, देख सकते हो रहेंगे आप दोस्तों। यहाँ पे 61 का जो लेवल है मार्केट, अभी एग्जैक्टली 61 के लेवल पे अभी खड़ा हुआ है, तो और पॉसिबिलिटी है ये 61 को भी ब्रेक कर दे, क्योंकि ऑप्शन चेन के मुताबिक भी मुझे यही बता रहा है। तो मैं तो आपको अभी ऑप्शन चेन से भी क्लैरिटी दे दूंगा, और ये 61 का जो लेवल इसको ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली 78 पे नेक्स्ट जाएगा। चलिए मैं अभी ऑप्शन चेन आपको उसमें भी कंफर्मेशन दिखा देता हूँ करके। दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे आपको मैंने ऑप्शन चेन ओपन करके दिखा दिया है ज़ोरोदा में। ज़ोरोदा का ऑप्शन चेन दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ, ये मुझे काफ़ी ईजी पड़ता है, इसलिए मैं आपको इसको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों 33,000 में कॉल साइड में अगर आप देखेंगे, जो रेड वाले जो लाइन है यहाँ पे बने हुए, ये हमारा कॉल साइड है, और जो ग्रीन लाइंस बने हुए हाईलाइट किए हुए, ये हमारा पुट साइड है दोस्तों। अगर 33,000 में अगर हम कॉल साइड में देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है 33,500 पे, लगभग 15.2 बना हुआ है दोस्तों। और सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना हुआ है 33,000 पे बना हुआ है, जो 11.1 बना हुआ है लगभग दोस्तों। और उसके अपोजिट की दोस्तों बात करें पुट साइड में, तो दोस्तों यहाँ पे ये माइनस में टोटली दिया हुआ, माइनस का मतलब दोस्तों होता है ब्रैकेट के अंदर, देखिए अगर आपको दिखेगा पुट साइड में 33,000 में 7.1 के बाजू में जो ब्रैकेट दिया हुआ माइनस में, माइनस का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि आज के दिन में दोस्तों यहाँ से जो पुट राइटर्स है अपर साइड में 33,000 के ऊपर ऊपर के लेवल पर, यहाँ से ये लोग एग्जिट हो चुके हैं, और इसका मतलब है दोस्तों कि मार्केट नीचे नीचे ही रहने वाली है दोस्तों। ये मार्केट अभी मुझे 33,000 के नीचे ही नज़र आ रही है, क्योंकि अपर साइड में राइटर्स जितने भी एग्जिट हो चुके हैं। अब मार्केट दोस्तों मुझे लग रहा है कि अभी 33,000 के नीचे, और लगभग नीचे कितना नीचे बोलोगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हाईएस्ट ओपन इंटर जो बना हुआ है फ्रेंड्स 32,000 पे पुट साइड में बना हुआ है 12.0, ये परसेंटेज में दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये 12.0 मतलब कि मार्केट इतना नीचे तक के कल के दिन में जा सकती है, जो मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपको अभी जस्ट बताया दोस्तों। बीच में हर्डल का जो काम करेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ये 32,500 के आसपास में, जो 8.8 में ये परसेंटेज में बना हुआ, 8.8 लाख परसेंटेज में बना हुआ, ये एक हर्डल का काम करेगा। मार्केट कल जैसे ही दोस्तों इसको ब्रेक कर देगा, नीचे चला जाएगा, तो लगभग लगभग ये अपने जो टारगेट जो इसने दिया हुआ है सपोर्ट के लेवल पर 32,000 तक के, ये अपना टारगेट अचीव इजीली कर लेगा। अगेन आ गए हमारे चार्ट पर दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन को भी रीड करके दिखा दिया है, फिबोनाची को भी ड्रॉ करके दिखा दिया है, और प्राइस एक्शन को भी लगभग मैंने आपको ट्रेंड लाइन के ज़रिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके दिखा दिया है। इसी को दोस्तों हम कल एंट्री लेने के लिए हमें इसे 5 मिनट के चार्ट पे जाना है, और 5 मिनट के चार्ट पर देखते हुए दोस्तों ये हमारा सपोर्ट जोन है और ट्रेंड लाइन है दोस्तों। अगर इसको कल ब्रेक कर लेगा, जैसा मार्केट आज इसी जोन पे खड़ा हुआ है, ब्रेक कर देगा तो डाउन साइड में 32,000 या इजीली अचीव कर लेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा, और नॉलेज मिला होगा दोस्तों, ये नॉलेज अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और ये वीडियो जितना भी दोस्तों मैं बना रहा हूँ, ये बिगनर्स के लिए खास करके मैं बना रहा हूँ,
मैं चाहता हूँ दोस्तों कि बिगनर लोग काफ़ी इसे देखें और इसे सीखें कि हम लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची किस तरह से लगाते हैं, ऑप्शन चेन कैसे रीड करते हैं। तो इन्हीं के लिए मैं, और जिन्हें नहीं आता दोस्तों, इन्हीं सभी को लोगों के लिए मैंने ये सीरीज़ चालू किया है एनालिसिस वाला। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई भी सवाल होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, जिसका मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ। और दोस्तों और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में भी आप इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग फिर से एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज टिल देन गुड नाइट, शब्बा खैर एंड स्वीट ड्रीम्स।